हेलो एवरीवन वेलकम टू पारल फिजिक्स टीवी लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है और एंड वे फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्चुअल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट हमने बताया था कि एक्चुअल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है एंड एट लार्ज एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इज

और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डायपोल को प्लेस किया है यहां पर जो डायपोल है इट विल, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगी कैसे अगर हम कोई भी चार्ज लेते हैं क्यू और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन द फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगती है दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज सिमिलरली यहाँ पर भी इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डिरेक्शन में एंड द फोर्स इज गिवन बाई क्यू ई और इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर में लगेगी एंड द फोर्स इज अगेन गिवन बाई क्यू यहाँ पर मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी इस ये एरो लगा के इनकॉर्पोरेट कर दी है नाउ सिंस दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑपोजिट टू इच अदर बट दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन इसका मतलब दिस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए टॉर्क इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस की वजह से इसके ऊपर टॉर्क लगेगी लेट अस सपोज मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी इज द डायपोल ओवर एंड दिस पॉइंट इज सी देन विल बी द ऑफ टॉर्क इसके ऊपर कितनी टॉर्क लगेगी ये कितना घूमेगा जो टॉर्क लगती है उसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होता है एंड द डायपोल रोटेट्स नाउ विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क Torque is equal to force into perpendicular distance. Now, force Force on either of the charges is QE, and the perpendicular distance is given by AC. hamara, this distance is AC, this is the perpendicular distance. Now, let us suppose that my dipole is oriented at an angle of theta with the electric field. In that case, how can I write AC in terms of 2A? टू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस एज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड ए बी इज टू ए सो दिस इज टू ए साइन थीटा मुझे पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया है नाउ कैन आई पोट इट इन दमुलायर सो दिस इज क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज रे -रे करके लिखती हूं मुझे क्या मिलेगा टू ए क्यू साइन थी नाउ वट इज दिस टू ए क्यू दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सो आई गेट पीई साइन थीटा दिस इज द फॉर्मुला फॉर टॉर्क इसके ऊपर जो टॉक लगेगी दैट विल बी गिवन बाई पीई साइन थीटा so here you can pause the video and go through what i have written over here i have written the same thing over here as well now torque is pe sin theta ye to maine magnitude likha hai khali agar main isko vector form mein convert karna chahu to mujhe pata hai sin theta is because of cross product यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी सो टॉर्क इज गिवन बाय पी वेक्टर क्रॉस E vector. So torque is a cross product of electric dipole moment and electric field vector. Now let's consider a few cases when the torque is maximum and the torque is minimum. Maximum torque kab lagegi or minimum torque lagegi? Now, since torque is P E sin theta, first I am considering the case of minimum torque. The torque is minimum when sin theta is 0. जीरो साइन थीटा जीरो पे होगा थीटा थी जीरो डिग्री और बी जीरो डिग्री अगर थीटा जीरो डिग्री है तो देखते हैं क्या होता है इस क्यू क्यू चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी

इस केस में प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमारी लगेगी टुवर्ड्स राइट एंड माइनस के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट अगर मैं इस डायपोल को हल्का सा भी परटर्व करती हूँ थोड़ा सा एंगल से रोटेट करती हूँ इन दैट केस इट विल रोटेट बाय 180 डिग्री और ये अपनी पोजिशन इंटरचेंज कर लेंगे बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ये जो फोर्स लग रही है इनकी वजह से ये हल्का सा भी अगर मैं डी थीटा एंगल से इस डायपोल को रोटेट करती हूँ तो ये अपनी पोजिशन इंटरचेंज कर लेंगे और इस तरीके के इक्विलिब्रियम को मैं बोलती हूँ अनस्टेबल अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इन्होंने हल्का सा पे ही अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर टॉक वाज मिनिमम नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन द टॉक इज मैक्सिमम सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द टॉक विल बी मैक्सिमम इस केस में हमारा जो डायपोल होगा वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होगा दिस विल बी ओरिएंटेशन ऑफ माय डायपोल सो द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर विल बी 90 डिग्री सो इन दैट केस जो टॉर्क लगेगी वो मैक्सिमम होगी क्योंकि डिस्टेंस इस केस में मैक्सिमम है आई हैव रिटन द सेम थिंग ओवर हेयर यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट फॉर अ मोमेंट So, let's discuss a few more points that torque is a vector quantity we already know since torque is a cross product of P vector and E vector and SI unit is Newton meter that is force into perpendicular distance force unit is Newton and perpendicular distance distance unit is meter. So, this is the SI unit in the next video we, will, we are going to discuss about the electric potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे